Welcome to a very special edition of GRC Young Guns, and I've been joined by the star opening batter of Pakistan, Muniba Ali. Muniba, welcome. Kaisi ho aap? Main bilkul theek, aap kaisi ho? Alhamdulillah. Muniba, itni choti si umar mein you have become a star for Pakistan. To mujhe batao sabse pehle ki how did your journey begin? Kaise cricket kaise shuru ki khelna? शुरू में ही सारे स्पोर्ट्स खेलती थी, बट आई थिंक क्रिकेट से ज़्यादा लगाव था और उसी में दिल लगा रहता था. तो वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे सब खेलते हैं स्ट्रीट्स पे, अपने दोस्तों के साथ उसी तरह खेलती थी. फिर पता चला जब गोल्ड मेडल जीती थी हमारी टीम, तब टीवी पे ज़्यादा एक्सपोजर मिला था उन्हें, तब पता चला था हमारी वुमेंस टीम भी है. फिर आहिस्ता जब अंडर 19 के अनाउंस हुए, मैंने उधर ट्रायल्स दिए, वहाँ पर सेलेक्ट हुई, फिर उस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी क्रिकेट की. बिल्कुल. और आपने अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें आप पहली पाकिस्तानी बैटर बनी थी वुमेंस टीम की तरफ से, जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की आयरलैंड के खिलाफ. तो वो कैसी फीलिंग थी जब आपने वो सेंचुरी स्कोर की, और जो आपकी कप्तान थी बिस्मा उस टाइम पे, उनकी तरफ से ऐसा हमें फील हुआ कि आपको बहुत सपोर्ट है उनकी तरफ से, तो अपनी वो जो सेंचुरी वाली फीलिंग है वो हमें बताएं. उसमें काफ़ी मज़ा आया था, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड इवेंट में इस तरह से परफॉर्मेंस दो, आप ख़ुद भी कॉन्फिडेंट होते हो. और ज़्यादा मज़ा इसलिए आया था क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच था और हम जीते भी थे. और जहाँ तक बिस्मा बाजी की बात है, उनको हम हमेशा से एडमायर करते हैं. वो हम आप हमारी जो कैप्टन है, और हमेशा उनसे सीखने की कोशिश की, और वो भी सारे यंगस्टर्स हम जितने भी हमें बैक करती हैं और हमें कॉन्फिडेंट करती हैं कि हम अपनी स्किल्स को जितना शो करें वो इवेंट्स में और या जो भी मैचेस खेलें वो बैक करती हैं हमारी स्किल्स को. तो हमने उनसे काफ़ी सीखा है, और जितने भी यंगस्टर्स हैं उनसे हमेशा इंस्पायर होते रहे हैं और हमेशा सीखते रहे हैं. बिल्कुल. और जो दूसरी चीज़ यहाँ पर हमें आपकी बैटिंग में देखने को मिलती है मुनीबा, वो ये कि आप बड़ी इंटेंट के साथ खेलती हैं, आप टॉप ऑर्डर में खेलती हैं, ओपनिंग बैटर हैं, तो जब आप अपनी इनिंग स्टार्ट करती हैं तो आपका स्ट्रोक प्ले भी उतना ही अच्छा होता है जितनी अच्छी आपकी इंटेंट होती है. तो ये जो आपने स्किल सेट अपना डेवलप किया, ये कैसे किया? देखिए, थोड़ी सी बैटिंग में, थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है हर शॉट पे ही. तो हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि जितना वक्त के साथ अपनी बैटिंग को इम्प्रूव कर सकूँ. जो कोच है उनसे बात करती रहती हूँ कि अब ये हो रहा है तो इसमें क्या हम बेहतरी ला सकते हैं, और जिस तरह से क्रिकेट चेंज हो रही है उस तरह से कोशिश यही करते हैं कि मॉडर्न डे के हिसाब से अपनी स्किल सेट बढ़ाया जाए, क्योंकि वही रिक्वायरमेंट होती है इंटरनेशनली, वरना टीम ने आपको काफ़ी जल्दी पकड़ लेती हैं. तो हमेशा यही बात चलती है अपने कोचेस से जो भी मेरे कराची में है, कि अपना स्किल सेट कैसे बढ़ाऊं वक्त के साथ, और जो कि अल्टीमेटली पे ऑफ करता है, कभी नहीं करता, बट आई थिंक हमेशा लर्निंग होती रहती है कि किस तरह से अपनी गेम इंप्रूव करनी है. बिल्कुल. और अभी ये जो एग्जीबिशन मैचेस हो रहे हैं रावलपिंडी में, इसमें आपको मौका मिल रहा है टू प्ले विद द बिग प्लेयर्स, यू नो, बिग फॉरेन प्लेयर्स एज वेल. तो ये आपका एक्सपीरियंस जो है ये कैसा है, और ये कितना ज़रूरी है आपके लिए एज अ प्लेयर कि आप इनसे सीखें, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करें? काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और ये लीग होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी क्रिकेट के लिए. और जितना भी अभी थोड़ा सा टाइम मिला है, हमने उसमें उनसे जितनी भी बात की है वो काफ़ी वेलकमिंग है, और काफ़ी हमें बताते हैं अपने गेम के बारे में भी, और इंडिविजुअली वो किस तरह सोचते हैं इंटरनेशनली अपने गेम को लेके. तो काफ़ी सीखा है, और जितना हम उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं ग्राउंड में उतना हमें मज़ा भी आ रहा है और सीखने को भी मिल रहा है. अगर इस तरह से हम लॉन्गर टाइम के लिए उनके साथ रहें, जिस तरह से लीग होगी लॉन्गर टाइम के लिए, तो उसमें हम काफ़ी और ज़्यादा सीखेंगे. जो और मैं नहीं, काफ़ी हमारे जो अंडर 19 वाले इमर्जिंग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, और जो वो लोग हैं जो पाकिस्तान की बेंच हैं जो कि अभी खेल नहीं पा रहे ज़्यादा, वो लोग भी अपना गेम काफ़ी इंप्रूव कर सकेंगे. बिल्कुल. और वो कौन सा ऐसा टीममेट है हमारे पाकिस्तान टीम के अंदर मुनीबा, जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रखता है थ्रू आउट द गेम? सभी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, और हमेशा सबका एक ही गोल होता है कि टीम को जितवाना है, और उसी पैशन के साथ खेलते हैं सब, और एक ही चीज़ का गोल है कि हमें टॉप फोर में आना है, और सब उसी के लिए मेहनत करते हैं. बिल्कुल. और मुनीबा, आपके लिए पर्सनली, अब सेंचुरियन तो आप बन गई हैं पाकिस्तान की पहली, अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? नेक्स्ट तो यही है कि जितना हो सके अपनी टीम को जिताने वाली परफॉर्मेंसेज दूँ, और जो डिमांड करते हैं कैप्टन कोचेस उसी तरह खेलूँ. और देखिए, बाकी जो रिकॉर्ड बनने की बात है वो तो आप खेलते हो, खुद ही बनते रहते हैं, आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता. तो उसमें जितना अल्लाह ताला को शुक्र अदा करें कम है, और गोल यही है कि हम वर्ल्ड इवेंट्स में अच्छा करें और टॉप फोर में फिनिश किया करें सेमीफाइनल फाइनल्स में. बिल्कुल. और हमारे लिए एज फैंस ऑफ द गेम, और जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो यंग गर्ल्स आपको इस वक्त सुन रही हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि हम किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं और किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं वुमेंस क्रिकेट को पाकिस्तान में? बिल्कुल, जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट हो, जो अच्छा करे उसको हाईलाइट ज़रूर करें, और जो हमारे लिए जो ज़रूरत की चीज़ें अगर वो भी हाईलाइट हो तो काफ़ी ज़्यादा इनकरेजमेंट होगी हमारे लिए भी, और हमारे लिए फ़ायदा भी होगा. तो यही चीज़ है कि
थोड़ा सपोर्ट ज़्यादा रखें, पेशेंस रखें और इंशाल्लाह रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे. इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मुनीबा, और हम आपको जो है वो गुड लक विश करते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द गेम्स. थैंक यू सो मच.